हमने सन 2000 में अपना ये केनल स्टार्ट किया था। इस टाइम हमारे पास 60-70 डॉग्स हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट के सन है या डायरेक्ट इंपोर्ट है। हर महीने 150-200 पपी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं हमारे केनल पे। मेल फीमेल स्टड सर्विस सब अवेलेबल है हमारे केनल पे। हमारा जो ये ब्रीडिंग बिजनेस है, जो डॉग लाइन है, इसके अंदर लॉस या प्रॉफिट प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। मैं सुनील भाटिया, भाटिया केनल का ओनर। तो लास्ट 20 ईयर से हम इस डॉग बिजनेस के अंदर हैं और ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमने सन 2000 में अपना ये केनल स्टार्ट किया था। इस टाइम हमारे पास 60-70 डॉग्स हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट के सन है या डायरेक्ट इंपोर्ट है। और उसके बाद उनसे हमने खुद ब्रीड तैयार की है, BI किए, उन्हें चैम्पियन किए। और इस टाइम हमारे पास अमेरिकन अकीता, सेंट बर्नार्ड, लेब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, इंग्लिश मैस्टिफ, अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन बुली, तो ये सब चीज़ें ब्रीड होती हैं एंड पपीज भी अवेलेबल रहते हैं इसके हमारे पास ऑलमोस्ट अपनी ब्रीडिंग्स हैं। हर महीने 150-200 पपी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं हमारे केनल पे। आज मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि बहुत से भाई बहनें हमारे इस डॉग बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पपी कहाँ से बाय करना है, फीमेल्स मेल्स कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से नहीं बाय करनी। तो वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में पपी मिलर से या होलसेल ब्रोकर से पपीज बाय कर लेते हैं, सिर्फ 2,000 या 4,000 5,000 बचाने के चक्कर में। तो उसके बाद वो नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में ही उनको वो लॉस है उनका, वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। हमारा जो ये ब्रीडिंग बिजनेस है, जो डॉग लाइन है, इसके अंदर लॉस या प्रॉफिट प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपको फीमेल या मेल किसी ने गलत दे दिया तो वो 6 या 12 मंथ्स के अंदर अपना रिजल्ट बता देगा कि वो क्या चीज़ है, और उसके बाद आप लॉस में जाना शुरू हो जाओगे। मोस्ट आजकल सिर्फ ग्रुप्स में ही काम चल रहा है, कहीं से पिक्चर उठाएंगे और कहीं दे दी, और कई लोग चीटिंग का शिकार भी हो रहे हैं। और कई ऐसे जेन्युइन बायर्स भी होते हैं जो लोग चीट हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अच्छे केनल से पपी परचेज कीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, उसकी ब्रीड को वेरीफाई करके मदर फादर की पिक्चर्स लेके और केनल का नाम सर्च करके और फिर लीजिए, हमारे पास आइए, हम अवेलेबल कराएंगे आपको सब पपीज हमारा। इसके बाद हम आपको अपना फार्म दिखाते हैं, अपने पपीज दिखाते हैं और ब्रीडिंग हाउस दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। सेंट बर्नार्ड पपीज हैं सर, जैसे आप देख रहे हैं ये पपी आज लगभग 40 डेज के अराउंड हो गए हैं, और इनकी क्वालिटी देखिए आप, मार्किंग एवरीथिंग, पूरे हेल्दी पपी हैं। इस टाइम अराउंड इनका 3-4 kg बॉडी वेट होगा, बोन साइज फुल हैवी रहेगा, एंड विद KCI केनल क्लब ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पपी हैं। देख सकते हैं आप इनकी, इनका जो कोट है वो देख सकते हैं आप, और जो भी पपी होगा हमारे पास वो सुपर्ब क्वालिटी ही मिलेगा, और प्रॉपर उसका डाइट चार्ट, वैक्सीनेशन चार्ट, पपी का बिल सब आपको दिया जाएगा, और उसके बाद भी आफ्टर सेल सर्विस भी दी जाएगी कि पपी को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हम। वो पपी को सेल करने के बाद फुल सेटिस्फेक्शन देते हैं कस्टमर को, चाहे आप टिल लाइफ, जब तक पपी की लाइफ है तब तक हमारे से गाइडलाइन लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉबरमैन पपी है, यूरोपियन डॉबरमैन, कई लोगों को क्वेरीज होती है डॉबरमैन पपीज की, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं अच्छी हाईली पेडिग्रीड में। ये गोल्डन रिट्रीवर है, ये भी अपना पिक ऑफ द लीटर है, हमारे स्टड डॉग का पपी है। देखिए सारे पपीज हैं। अब इसके बाद हम सेंट बर्नार्ड के पपीज जो हैं, इनके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, जो इनका पेरेंट्स, जो इनके फादर हैं, सब वेल्फ इम्पोर्ट और
इम्पोर्ट के सन मदर भी जो है इम्पोर्ट डॉटर यूज की हुई है इसमें। ये बहुत नोटी है, टिकने वाले नहीं है। देखिए फुल हेल्दी एंड एक्टिव है, देखिए बॉडी वेट देखिए बच्चों का। सेंट बर्नार्ड हमारा बचपन से ही पैशन रहा है, क्योंकि जब मैंने सन 2000 स्टार्ट कैनल स्टार्ट किया था तो मेरी पहली फीमेल थी स्टेला, वो सेंट बर्नार्ड ही थी और चैंपियन रही वो अपने। देखिए मार्किंग इसकी कलर, मैं आपको अपना फार्म दिखा देता हूँ। जो भी आपने अभी पपीज देखे उनके पेरेंट्स भी दिखा देता हूँ, जो भी हमारे चैंपियन डॉग्स हैं, अमेरिकन अकीता है, सेंट बर्नार्ड, लेब्राडोर रिट्रीवर्स एंड मैस्टिफ, सब अंदर से ही विजिट करा देता हूँ, क्योंकि गर्मी है उन्हें बाहर नहीं ला सकता मैं, इस टाइम हीट स्ट्रोक की समस्या रहती है। तो आपको फार्म अंदर से विजिट करवा देते हैं जी, आ जाइए प्लीज़। अपने जो हमारे सारे डॉग्स हैं चैंपियंस हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, प्लीज़ कम। हमारे पास इस टाइम सेंट बर्नार्ड, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, इंग्लिश मैस्टिफ, अमेरिकन अकीता, अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन बुली, ये ब्रीड्स ब्रीड हो रही हैं हमारे कैनल पे। हमारे पास इस ब्रीड्स के पपी भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप कभी भी हमारे से पपी बाय कर सकते हैं। जो ब्रीड कैनल क्लब ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है उसके पेपर्स मिलते हैं, आप KCI विदाउट KCI दोनों तरह से पपी बाय कर सकते हो, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्वालिटी दोनों की सुपर रहेगी। मेरी एक लास्ट वीडियो थी जो आप लोग सब देखी भी होगी, तो उसमें कई लोगों ने गलत कमेंट किए कि दे आर पपी मिलर्स, वाई वी आर पपी मिलर्स, अगर हमारे पास 60-70 डॉग्स हैं तो कहीं ना कहीं उनसे मीटिंग्स भी होके जाती हैं प्रूवन फीमेल्स, और वो स्टड पपीज भी आते हैं कुछ हमारे पास, और उसके बाद जो वो पप्स हैं वो भी हमारे पास ही आते हैं सेल होने के लिए, तो वाई वी आर पपी मिलर्स। तो हमारे पास जब 6-7 ब्रीड्स अपनी हैं तो हमारे पास उस ब्रीड्स के पपीज तो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। और आजकल इस नई ब्रीडिंग के अंदर हमारे कई भाई जुड़ रहे हैं, कई डॉग फार्मिंग के अंदर लोग आ रहे हैं, तो इसके जो प्रॉफिट ड्रॉबैक्स लॉसेस वो सब जान के उसके बाद ही इस डॉग ब्रीडिंग को ज्वाइन करें। प्लीज यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जो इस ब्रीडिंग को ब्रीडिंग बिजनेस को खराब ना करें। कुछ लोग इस ब्रीडिंग बिजनेस को, उनको खुद भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो इस ब्रीड को कहीं ना कहीं खराब करते चले जाते हैं।